क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसमें खास तौर से जजों के अपॉइंटमेंट और दूसरे आंतरिक मामले शामिल हैं, आरटीआई अधिनियम के तहत डिस्क्लोज नहीं होने चाहिए? क्या सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला कोलिजियम सिस्टम, जिसके तहत एक जज की नियुक्ति की जाती है, वो जनता के सामने डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए? आखिर आरटीआई एक्ट और कोलिजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पीछे क्या मंशा रहती है? सबसे बड़ा सवाल, ट्रांसपेरेंसी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को किस तरह से प्रभावित करते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले? क्या ये फैसले पारदर्शिता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाकर आरटीआई एक्ट के उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं? दोस्तों, कोलेजियम सिस्टम को लेकर बार बार बड़े स्तर पर सवाल उठते हैं और कभी कभी अपनी मांग ना पूरी होने पर सरकार खुद इसके विरोध में खड़ी हो जाती है। इसके अलावा दुनिया भर के राजनीति से जुड़े छुट भैया विशेषज्ञ देश की जनता को अपने उल्टे सीधे बयानों में देश की भूली वाली जनता को बरगलाते रहते हैं, जबकि कई सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी जानकारी देश के नागरिकों के सामने रख देती है। बस लोगों को ये नहीं पता होता कि वो आज की इस वीडियो में कोलिजियम सिस्टम से लेकर इस सिस्टम में सरकार का कितना रोल है, आरटीआई एक्ट कितना कारगर है, इन सब मुद्दों से संबंधित बेहद अहम जानकारी साझा की जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलिजियम सिस्टम पर। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कोलिजियम सिस्टम को लेकर संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि ये सिस्टम समय समय पर सरकारों की कार्रवाइयों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई लैंडमार्क जजमेंट्स के आधार पर विकसित हुआ है, इसकी डेवलपमेंट हुई है, ये बना है। कोलिजियम सिस्टम के तहत किसी जज की नियुक्ति करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों के साथ मिलकर जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर की अनुशंसा या सिफारिश करते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम में करंट चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के 2 सीनियर जज शामिल होते हैं। हालांकि सरकार कोलिजियम के तहत किए गए सिलेक्शन पर ऑब्जेक्शन कर सकती है और क्लेरिफिकेशन मांग सकती है, और इसके बाद भी अगर कोलिजियम उन्हीं नामों को दोहराता है तो सरकार उन्हीं पदों पर नियुक्त करने के लिए बाध्य होती है। ध्यान रखिए, यहां बात सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की हो रही है, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात आती है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए भारत के संविधान में क्या प्रोविजन किए गए हैं। एक बात ध्यान रखिए, कोलिजियम सिस्टम बनाया जरूर गया है, लेकिन वो संविधान में किए गए प्रावधानों को बाईपास नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में। संविधान का आर्टिकल 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजों से परामर्श के बाद जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझे। मतलब ये पैनल राष्ट्रपति द्वारा चुना होता है जो जजों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। दूसरा, संविधान का आर्टिकल 217 जो प्रावधान करता है कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर, इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर। इन नियुक्तियों में संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हो सकता है कि इस सिलेक्शन के माध्यम से सरकार कुछ केवल सरकार हितेशी लोगों का सिलेक्शन करके जज के पद पर बैठा दे, जो कि स्वतंत्र न्याय सिस्टम के लिए गंभीर खतरा होगा। और इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए कोलिजियम सिस्टम ने जन्म लिया, जिसके तहत सरकार इस सिलेक्शन को निष्पक्ष करने के लिए बाध्य हो जाती है, क्योंकि जो सिस्टम सीधा सरकार के प्रभाव में होता है उसका हाल आप लोगों के सामने है। यहाँ तक कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा जो देश को IAS IPS जैसे अफसर देती है, वो तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। अब बात आती है कि आरटीआई एक्ट कितना प्रभावी है सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेकर। सबसे पहले जान लीजिए कि सूचना का अधिकार 2005 यानी आरटीआई एक्ट, जिसको पब्लिक अथॉरिटीज के कामों में पारदर्शिता और उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए लागू किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की निर्णय लेने की प्रक्रिया, जिसमें खास तौर पर जजों की नियुक्ति और दूसरे आंतरिक मामले शामिल है, उनका आरटीआई एक्ट के तहत खुलासा होना चाहिए या नहीं? ये बेहद जरूरी मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस से जुड़ा है। दोस्तों, आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2/H के तहत ये कहा गया है कि देश के किसी भी नागरिक को किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, और इसमें हर वो बॉडी या अथॉरिटी शामिल है, हर वो संगठन शामिल है जो भारत के संविधान के तहत स्थापित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, जो कि वास्तव में एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है।
इसलिए सैद्धांतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा रखी गई जानकारी, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जानकारी भी शामिल है, आरटीआई एक्ट के दायरे में आती है। एक केस है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह निर्धारित करना था कि क्या कोलेजियम की निर्णय प्रक्रिया से संबंधित जानकारी आरटीआई अधिनियम के तहत डिस्क्लोज की जा सकती है, क्योंकि कोलेजियम सिस्टम हायर जुडिशरी में जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार है और इसी कारण अक्सर पारदर्शिता की कमी के चलते आलोचना का केंद्र बना रहता है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल के केस में निर्णय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981, पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ 2017 और सीबीआई बनाम आर के डालमिया 1962 जैसे लैंडमार्क केसेस का रेफरेंस लिया और अपना फैसला सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण है। कोलेजियम द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण से संबंधित लिए गए निर्णय को कुछ मामलों में आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक जांच के लिए खोला जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस तरह के खुलासे को न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुरक्षा और आवश्यक गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए संतुलित किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निर्णय प्रक्रियाओं, जिसमें कोलेजियम की प्रक्रिया भी शामिल है, इन सबको आरटीआई एक्ट में खुलासे के तहत लाया जा सकता है, ताकि जनता को ये जानकारी हो सके कि जजों की नियुक्ति और दूसरे जरूरी फैसले कैसे किए जाते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस पारदर्शिता को न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, ताकि न्याय प्रणाली की अखंडता और विश्वसनीयता यानी इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी को बनाए रखा जा सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जरूरी जानकारी मिली होगी, जो कि आपको पॉलिटिकल मिथ्स यानी कि राजनीतिक प्रोपगेंडों से उभरने में सहायता करेगी। हालांकि देश की जनता को इस कदर मानसिक रूप से अपंग कर दिया गया है कि वो अपनी आंखों देखी सच्चाई को अनदेखा करके उनको मोबाइल या टीवी पर जो दिखाया जा रहा है वो उस पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर आप जानकारी का सही आंकलन नहीं कर रहे हैं तो आपके और आपकी आने वाली नस्लों के लिए ये गंभीर खतरा है। मानसिक गुलाम मत बनिए और अपनी ताकत को पहचानिए। देश का नागरिक सर्वोपरि है, जिसके पास राष्ट्रपति की कलम की लिखावट तक बदलने की क्षमता है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और अगर कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।